ऑल राइट, अगर आपको भी वोटर आईडी कार्ड में कुछ सुधार कराना है या फिर उसके अंदर में करेक्शन कराना है या उसके अंदर में कुछ चीज़ें चेंजेस करना है, चाहे आप उसमें नाम चेंज करो, चाहे एड्रेस चेंज करो, चाहे डेट ऑफ बर्थ चेंज करो, चाहे आप फादर या हस्बैंड नेम चेंज करो, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे चेंज करो, ये सभी आप करेक्शन अपने वोटर आईडी कार्ड में कैसे कर सकते हो, आप चाहे जो भी करो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर में पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन यानी वोटर आईडी कार्ड को हम सुधार घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको वोटर आईडी कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट्स voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म सेक्शन में आपको चार फॉर्म मिलते हैं, जिसमें से एक आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 8 का, तो फिल फॉर्म 8 पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपने इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा पहले, तो यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा वो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है एंड यहाँ पे कैप्चा डाल करके रिक्वेस्ट ओटीपी के साथ यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपको बगल में यहाँ पे देखने को मिलेगा साइनअप का, यहीं पे आपको साइनअप ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो जिससे आप यहाँ पर साइनअप करना चाहते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप कर सकते हो या फिर आप डाल सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि इन फ्यूचर हमको कोई ओटीपी जनरेट करना हो तो मैं ईमेल पे भी जनरेट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, तो इस कैप्चा को यहाँ पे हमको फिल करना है। एंड ये सभी फिल करने के बाद सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए जिसमें सिंबल, वर्ड एंड कुछ डिजिट हो। तो यहाँ पे आप 8 डिजिट का अपना मिक्स यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे एंड यही पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। कंफर्म पासवर्ड में डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर और आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है वहाँ पे आपको ओटीपी भेज दिए गए हैं, तो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपने ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं दिया होगा तो सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका जो साइनअप है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर साइनअप किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालोगे। एंड उसके बाद में जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड को यहाँ पे आप एंटर करोगे। ये होने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये होने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपने मोबाइल नंबर साइनअप करते वक्त दिया था उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी सेंड कर दिए जाएंगे, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक जैसे ही करोगे आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर से आपको फिल फॉर्म 8 पे क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक करोगे इस बार आपका फॉर्म 8 खुल जाएगा एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सेल्फ एंड अदर इलेक्टेड में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सो अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर से अगर इस वेबसाइट पर साइनअप किए होंगे तो ये सेल्फ का ऑप्शन आपको दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका ही वोटर कार्ड का पिक नंबर दिखाएगा जिसमें आप कुछ चेंजेस या फिर कुछ कॉरेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दूसरे मोबाइल नंबर से यहाँ पे साइनअप किया होगा तो ये सेल्फ का ऑप्शन नहीं काम करता है। यहाँ पे आपको अदर इलेक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईपिक नंबर डालना पड़ता है, जिस भी ईपिक नंबर का आपको कॉरेक्शन करना है उसका यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देना है। सो मुझे जिस वोटर कार्ड में चेंजेस करना है यानी कॉरेक्शन करना है, सुधार करना है, जो भी कहिए, मैं उस वोटर कार्ड का यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देता हूँ। ईपिक नंबर डालने के बाद सिंपल यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड उसके बाद जो भी हमने ईपिक नंबर डाला है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। एक बार डिटेल देख लोगे कि जो ईपिक नंबर आपने डाला है वही ईपिक नंबर का यहाँ पर पूरा डिटेल सही दिखा रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पर आपका एक बार डिटेल यहाँ पर कंफर्म कर लोगे एंड उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सिंपल ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे
यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला शिफ्टिंग के लिए, दूसरा यहाँ पे कॉरेक्शन के लिए, कॉरेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्ट्रॉल रोल, यानी जो आपके पास वोटर आई डी कार्ड है उसके अंदर में कुछ चेंजेस यानी उसके अंदर में सुधार, उसके अंदर में कॉरेक्शन करना चाहते हो, सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज़ करो। इसको चूज़ करने के बाद सिंपल यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपका यहाँ पे ए सेक्शन में स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। तो यहाँ पे ए सेक्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि ए सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हमको बी सेक्शन कंप्लीट करना है। तो बी सेक्शन यानी बी सेक्शन में डिटेल आपका दिखाएगा, जो भी वोटर आईडी कार्ड है आपका उस वोटर कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, एंड जो भी वोटर कार्ड का पिक नंबर है वो भी यहाँ पे आपका दिखाई देगा। एंड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आधार डिटेल दिखाएगा। सो अगर आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो, सो आजकल आधार नंबर लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है, सो यहाँ पे आपको आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड जो भी आपका आधार नंबर है उसको भी एक बार आप लिंक कर लोगे इसमें, ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आपका आधार यहाँ से लिंक हो जाए। सो मैं यहाँ पे आधार नंबर भी डाल देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका बी सेक्शन एंड डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सी सेक्शन में आओगे जिसमें आपको आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉरेक्शन वाला यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, तो इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। नीचे आओगे एप्लीकेशन फॉर कॉरेक्शन, आप एप्लीकेशन के अंदर में क्या कॉरेक्शन करना चाहते हो उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे नेम, जेंडर, DOB यानी एज, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, जो भी यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हो, जो भी आप कॉरेक्शन करना चाहते हो, जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी सुधार करना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे नेम चेंज करना है, सो मैं यहाँ पे नेम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमको नया नाम यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम नया नाम डाल दूंगा, और मान लीजिए हमको नेम के साथ साथ यहाँ पे फ़ोटो भी चेंज करना है, तो फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फ़ोटो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो नाम यहाँ पे चेंज कर लोगे, साथ में यहाँ पे फ़ोटो भी आप अपडेट कर सकते हो। मान लो एक और अपडेट करना है आपको, वो है आपका DOB भी अपडेट करना है साथ में ही, तो यहाँ पे आप नाम अपडेट जो भी नया नाम देना चाहते हो वो नया नाम यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद नया डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करोगे, एंड यहाँ पे आप फ़ोटो भी चेंज करना चाहते हो वो फ़ोटो भी यहाँ पे डाल देना है। मान लीजिए आप यहाँ पे अपना रिलेटिव नेम यानी आप अपने फादर या हस्बैंड नेम को करेक्शन करना चाहते हो, तो एक साथ आप चाहो तो सभी को करेक्शन कर सकते हो, और चाहो तो एक को ही आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, दो को ही कर सकते हो, जितना आपको करेक्शन करना है, जो आपको करेक्शन करना है उसको यहाँ पे आपको चूज़ करना है। सो मुझे यहाँ पे फ़ोटो अपडेट करना है, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर नया अपडेट करना है। सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ को अपडेट करना है, यानी दो चीज़ यहाँ पे हम अपने वोटर कार्ड में करेक्शन करने वाले, पहला मोबाइल नंबर, दूसरा फ़ोटो। सो यहाँ पे जो भी नया मोबाइल नंबर हमको देना है अपने वोटर कार्ड में वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है सो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पर चेक करोगे, एंड उसके बाद यहाँ पे नया मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हो। चेंजेस करो, लिंक करो, दोनों बात सेम ही होता है। जो भी नया मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो, जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, वो बस यहाँ पे नया मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे नया मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफ में आप आओगे, तो जो भी आप नया फ़ोटो आप देना चाहते हो अपने वोटर कार्ड में उस फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ करोगे। सो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फाइल में भेज देगा, जो भी आपका फ़ोटो है उसको आप चूज़ करो एंड यहाँ पे अपलोड करो। सो मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा फ़ोटो है उसको चूज़ कर लेता हूँ। सो मैंने इसको चूज़ कर लिया। जैसे चूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्रॉप सेक्शन में भेज देगा। सो मैंने पहले से ही फ़ोटो जो पासवर्ड साइट का फ़ोटो होता है वो अपने फाइल में सेव करके रखा था। सो यहाँ पे मेरा फिट बैठ गया है, एंड इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सो मेरा यहाँ पे स्क्वायर साइज़ का फ़ोटो है जो कि पासवर्ड साइज़ होता है, वो मैंने पहले से ही फाइल में सेव करके रखा था, तो यहाँ पे फिट हो गया। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे सेव का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ भी अपलोड हो गया, एंड उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली आ गया। ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड जो भी फ़ोटो आपका अपडेट होने वाला है वो यहाँ पे आपका दिखाई देगा। सो एक बार यहाँ पे आप सभी डिटेल चेक कर लोगे सही है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। लेकिन इसके अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप फ़ोटो के अलावा मान लीजिए नाम चेंज करना चाहते हो, जेंडर चेंज करना चाहते हो, DOB चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप DOB चेंज करते हो, मैं एक बार बता देता हूँ, उसे चेंज नहीं करना है।
जैसे कि हमको DOB मान लीजिए यहाँ पे चेंजेस करना है, एंड उसके बाद इसके ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मंथ, उसके बाद में यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से आप देख लेना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है 10th 12th का, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उसको चूज़ करना है। एंड उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट का प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। सिलेक्ट यानी चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सिंपल उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन यहाँ पे कर लेना है। सो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी अब यहाँ पे डाल देना है, एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करना है, सो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को हटा देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर फ़ोटो चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता जब मोबाइल नंबर और फ़ोटो चेंज करते हो तब। लेकिन मान लीजिए अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करो या फिर नेम चेंज करो तो डॉक्यूमेंट मांगता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी बता दिया। सो मुझे इस वोटर कार्ड में दो ही चीज़ को चेंजेस करना था। सो मैंने यहाँ पर अपना नया मोबाइल नंबर डाल दिया, एंड यहाँ पर जो भी नया फ़ोटो अपलोड करना था चेंज करके उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सी सेक्शन सबमिट एप्लीकेशन फॉर ये टिक हो जाएगा, एंड उसके बाद डिक्लेरेशन डी सेक्शन में आएंगे जिसमें हमको पैलेस डालना है। तो इस फॉर्म को जहाँ से आप फिल कर रहे हो उसका यहाँ पे पैलेस डालना है। मैं इस फॉर्म को डेली से फिल कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे डेली डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट नाम भी डाल सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका डी सेक्शन कम्प्लीट होगा। ई सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को फिल करना है। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो रिफ्रेश करो एंड नया कैप्चा जनरेट करो, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि जो भी आप नया मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हो उसको वेरीफाई करने के लिए OTP यहाँ पे गिराना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल नंबर पर, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर नया दे रहे हो। सो सेंड OTP पर क्लिक करना है, OTP आएगा, उसके बाद उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे फॉर्म 8 में जो भी आपने अपडेट किया है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक बार आप सभी डिटेल को चेक कर लोगे कि सब डिटेल सही है या फिर कुछ गड़बड़ है। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ है तो यहाँ पर कीप एडिटिंग करके आप उस डॉक्यूमेंट को सुधार सकते हो। लेकिन लग रहा है आपको कि सब चीज़ यहाँ पर मेरा सही है जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपडेट किया है, सो यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद एक बार और कंफर्मेशन पूछेगा आपसे कि क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, सो यहाँ पे आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस जैसे ही करते हो जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। एंड ये होने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी देखने को मिलेगा, जिस रेफरेंस नंबर की मदद से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे कि आपने जो भी करेक्शन किया है वो जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। सो इस रेफरेंस नंबर की मदद से आप यहाँ चेक कर पाओगे। तो इस रेफरेंस नंबर को आप कहीं पे कॉपी करके सेव कर सकते हो या फिर कहीं पे नोट करके रख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाउनलोड कर लेना है जो कि एक रेफरेंस नंबर ही होता है। बाय द चांस कि आपने जो रेफरेंस नंबर कॉपी करके कहीं पे सेव करके रखा वो कहीं अगर गुम गया तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को भी डाउनलोड करके रख लोगे। एंड ये सभी करने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड यहाँ पे आप सर्विसेज सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करोगे थोड़ा सा ये लोड लेगा, एंड लोड लेने के बाद में ये जो कि ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर एंटर करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म को सबमिट किया था उसका यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर, आपका नाम, फॉर्म टाइप, आउट सबमिशन डेट। एंड नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक में आपका सक्सेसफुली सबमिटेड दिखाएगा। तो यहाँ पे आप करेंट स्टेटस में या फिर नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे अभी सिर्फ सबमिटेड दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा 1-2 दिन तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो होगा BLO अपॉइंटमेंट।
एंड उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा एंड उसके बाद आपको एक एक्सेप्टेड का ग्रीन टिक ऑप्शन मिलेगा और साथ में करेंट स्टेटस में भी आपको एक्सेप्टेड ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही एक्सेप्टेड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, समझ लीजिए कि आपके वोटर कार्ड में जो भी आपने करेक्शन किया था वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है और जो भी नया वोटर आईडी कार्ड है वो बाय पोस्ट आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में आपके घर पे भेज दिए जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि जो मैंने वीडियो में काफ़ी सिंपल स्टेप से बताया है कि वोटर आईडी कार्ड में कैसे करेक्शन करें, उस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने वोटर कार्ड में जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो आप कर लिए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।